अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदि हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है,
परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन छह बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता।
जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के किसी प्रकार के ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि पहले आप सबसे पहले आपको वीडियो मिले। थैंक यू।